शराबबंदी पर संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा दोनों शोरों से गरमा रहा है। शराबबंदी पर कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि जनता का मुद्दा नहीं है, शराबबंदी सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है, आम जनता को शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, देखिए यह कहना है। और शराबबंदी के लिए बनाई गई है कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण है, तो देखिए उनका यह बयान सामने आया है। सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि शराबबंदी दरअसल जनता का मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी का मुद्दा है। शराब की एक शराबबंदी एक सामाजिक समस्या है, सभी राजनीतिक दल के लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, एक मत से जो फैसला होगा वो फैसला सर्वमान्य होता है। फिर सामाजिक समिति भी है, सामाजिक समिति सामाजिक नेता है, उसमें राजनीतिक समिति प्रशासनिक समिति है। नेहा केसरवानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। नेहा, एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए, शराबबंदी का मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी को लेकर वादा किया था, और अब जो है इस पर बीजेपी को लेकर के जो है रिएक्शन सामने आया है कि जो है बीजेपी जो है महंगाई को छुपा के अब शराबबंदी के मुद्दे को उठा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है धनंजय सिंह ठाकुर, सीधे उनसे ही बात करेंगे। सर, शराबबंदी को लेकर के सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा है कि ये आम जनता का मुद्दा नहीं है बल्कि बीजेपी का मुद्दा बनकर रह गया है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के नाम से सिर्फ राजनीति कर रही है, और जनता शराबबंदी की दिशा में सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके साथ चल रही है। हमने जो कमेटी बनाई है जिसमें सामाजिक कमेटी है जो जनता को जागरूक करके शराबबंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और मुद्दा उठाने का कारण भी है ना, क्योंकि केंद्र की नाकामी से जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो अर्थव्यवस्था गलत पर जा रही है, जो महिलाएं देश भर में असुरक्षित है, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसका मुद्दा है। जनता इसको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और उसमें शराबबंदी को आगे बढ़ रही है। आम जनता का ये मुद्दा नहीं है, इस बात से क्या तात्पर्य? देखिए, मुद्दा का मतलब ये होता है कि राजनीति करने के लिए मुद्दा है ये। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती, भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी नहीं चाहती ना, अगर शराबबंदी चाहती भारतीय जनता पार्टी तो सरकार ने जो कमेटी जो बनाया है राजनीतिक कमेटी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया, आज तक उसके विधायक उसमें शामिल नहीं हुए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनता इसमें सरकार के साथ शराबबंदी के लिए जो नीतिगत जो प्रोग्राम तैयार किए गए उसके साथ। ठीक है, हमें लौटते हैं आपके पास। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। देखिए संजय जी, शराबबंदी के मुद्दों को लेकर आप लोग लगातार हमलावर है, लेकिन इसी बीच जो सत्यनारायण जी का बयान सामने आया, उनका कहना है कि आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हो उसको लेकर। मुझे लगता है कि शायद सत्यनारायण शर्मा जी भी अब नहीं चाहते, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि शराबबंदी होना चाहिए। देखिए, हमने नहीं किया था, आज कहते हैं कि शराबबंदी मुद्दा नहीं है। कल आप सरकार बनाने के लिए जब 2018 में, जब 15 साल आप विपक्ष में थे, आप घर घर जाकर आप बड़े प्रचार किया था कि हमने लोगों से पूछकर हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, और उसमें आपने लिखा था कि हमारी सरकार बनती तो शराबबंदी करेंगे। आज 4 साल महिलाओं के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात आजाद भारत के अंदर में कभी नहीं हुआ होगा। भरपूर वोट महिलाओं ने दिया कि ये शराबबंदी होगी, हमारा घर बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहा है, उन्होंने भरपूर समर्थन दिया, उस समर्थन के सारे ये सरकार में आए, लेकिन अब उनके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। अभी कमेटी की बात कर रहे थे, अरे हम अभी लिख के दे देते चिट्ठी, हमारा पूरा समर्थन है, हमको कमेटी में आने की आवश्यकता नहीं, बीजेपी उनका तो यही आरोप है कि आप लोग कमेटी में जाते ही नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, कमेटी बनाने की हमें जरूरत ही नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन है पार्टी का, हमें कमेटी में जुड़ने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है इस कमेटी में नहीं करेंगे, हमको शामिल करके हमको बदनाम करेंगे, हमारा पूरा समर्थन है, कहां चिट्ठी लिख के देना है, कब देना है, किस समय देना, बता दीजिए, हम दे देते। आप बंद करिए, हमारा पूरा समर्थन है बीजेपी का, लाखों कार्यकर्ताओं का समर्थन है कि आप बंद करिए। ये नाटक नौटंकी केवल कमेटी, कल तक संस्कृति बोलने लगे थे मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष, ये तो हमारी संस्कृति बोलते हैं, इस तरह की स्थिति है, हत्या लूट पाट डकैती बलात्कार नशाखोरी जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर में बढ़ा है, इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं के साथ में तो इतना बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया है कि आजाद भारत के अंदर में किसी ने नहीं किया होगा। ये एक्सपोज हो चुके हैं, शराब के नाम पर एक्सपोज हो गए हैं, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर एक्सपोज हो चुके हैं, अब तमाम प्रकार की इधर उधर की बातें करते हैं। अरे तुरंत करिए, हमारा पूरा समर्थन है। मैं संजय श्रीवास्तव मुख्यमंत्री को माला पहनाऊंगा जाकर सीएम हाउस के अंदर में, इससे बड़ी घोषणा नहीं कर सकता।
आप शराबबंदी करिए, ईमानदारी से भागिए, इससे ज्यादा कहीं ठीक है। संजय जी मैं लौटूंगी आपके पास। धनंजय जी देखिए हर एक मोर्चे पर आप लोगों को फेल करार दिया जा रहा है। आप लोग कहते हैं कि ये कमेटी में नहीं आते, लेकिन इनका कहना है कि कमेटी में आने की जरूरत ही नहीं है, वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। नेहा क्या आपको मिली आवाज़? भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं ना शराबबंदी हो, इसलिए तो कमेटी में नहीं आना चाहते हैं। अगर ये जनता की भला चाहते हैं तो शराबबंदी के लिए गठित कमेटी में इनके विधायक शामिल होते। ये तो शराब की तस्करी करना चाहते हैं ना। आज इनके भाजपा नेता शराब तस्करी में पकड़ाया है। महाराष्ट्र से शराब लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे थे। भाजपा नेता बोलते कि शराब में पिकअप नहीं आ रहा है, भाजपा नेता बोलते कि शराब के ब्रांड नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये तो कभी शराबबंदी चाहते नहीं ना। और इनको तो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी वो मुख्यमंत्री थे, उनको अपने पार्टी से निकालना चाहिए, जिन्होंने 138 साल पुराने शराबबंदी की नीति को, शराब नीति को चेंज करने का काम किया है। ये कभी शराबबंदी की बात नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार है जो महिलाओं के लिए शराब की दुकान खुलवा रही है। इनकी पार्टी घोषणा की आंध्र प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनेगी तो 50 लीटर में शराब उपलब्ध कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पता है अगर युवा नशा से दूर रहेंगे तो RSS और भाजपा के गलत नीतियों का विरोध करेंगे। इसलिए जगह जगह नशाखोरी के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात में करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ाता है। देखिए शराबबंदी का हमने जो वादा किया था, हमारी सरकार शराबबंदी को आगे बढ़ चुकी है। आप देखेंगे प्रदेश में 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया है। 3 कमेटियां बनाई गई है, राजनीतिक कमेटी है, सामाजिक कमेटी है और प्रशासनिक कमेटी है। सामाजिक कमेटी में प्रदेश के उन तमाम समाज के प्रमुख लोग हैं जो शटर बंद करके शराबबंदी नहीं चाहते। उनका कहना यह है कि शराब जो रमन सरकार के दौरान जो गली गली घर घर तक पहुंचा है, तो जागरूकता के माध्यम से शराबबंदी को हमको आगे बढ़ना चाहिए। इससे जनहानि नहीं होनी चाहिए और जनता भी चाहती है कि शराबबंदी धीरे धीरे से हो, इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं। और 100 से अधिक शराब दुकान मैंने कहा है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शराब के 34 साल पुरानी नीति को बदलने का काम किया है, वो भाजपा जो जगह जगह देशों में शराब की बेचने की बात करी, वो कैसे शराबबंदी की बात करी। लेकिन मेरा सवाल ये है, गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में शराबबंदी काम नहीं आती है, क्या लगता है अगर ये करते भी है तो इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो पाएगा? देखिए ऐसा है कि अंतिम वक्तव्य में इनकी सत्यता सामने आ गई कि अर्थात ये शराबबंदी नहीं कर रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे, हम दुकान बंद कर रहे, अर्थात आप शराबबंदी नहीं कर रहे, उस स्वीकार कर लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जब जब शराब की बात आती है ये मदहोशी के आलम में कांग्रेस के नेता बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ का कुछ करे कहने लगते हैं। अब ये कहते हैं कि इन्होंने पॉलिसी बदली। हाँ हमने पॉलिसी बदली, हमने सरकारीकरण किया था कोचिया को बंद करने के लिए। आप क्यों उसको फॉलो कर रहे हो 4 साल में सरकारीकरण? आपको यदि उचित नहीं लग रहा तो बंद करवाइए ना, क्यों आपके हाथ पैर बंद गए हैं? ठीक है संजय जी, धनंजय जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा, जनता इंतजार कर रही है कि आखिर इस वादा को किस तरीके से पूरा किया जाता है। सियासत की भेंट ना पड़े।